यातायात व्यवस्था को और सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के उद्देश्य को लेकर दुर्ग ट्रैफिक डीएसपी ने बस संचालकों की बैठक लेकर बस स्टैंड में अव्यवस्थित पार्किंग व ट्रैफिक नियमों की पालन को लेकर चर्चा की। दुर्ग बस स्टैंड में मंगलवार को दुर्ग ट्रैफिक डीएसपी एसएस वृंदराज ने बस संचालकों के साथ बैठक ली और इसमें चर्चा की। इसमें बस स्टैंड में बेतरतीब खड़ी बसों को व्यवस्थित करने व बस चालकों की वर्दी, लाइसेंस, वाहनों के कागजात सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही ट्रैफिक विभाग द्वारा एक दिवसीय शिविर लगाकर चालकों के फिटनेस जांच कराए जाने की बात कही गई। इस अवसर पर बस संचालकों द्वारा भी सारी बातें पर अपनी सहमति जताई और शहर को सुंदर व व्यवस्थित रखने, यातायात विभाग के साथ मिलकर चलने की बात कही। बस यूनियन के अध्यक्ष प्रकाश देशलहरा सहित अन्य लोग यहां पर शामिल रहे। डीएसपी ट्रैफिक साहब ने एक बैठक की थी यातायात व्यवस्था और बस स्टैंड की व्यवस्था सुधारने के लिए। आज उन्होंने मीटिंग बुलाई जिसमें सारे बस मालिक एकत्रित थे और हम भी चाहते हैं कि शहर में यातायात की सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो सके। यहाँ के सभी बस मालिकों को और बस मालिकों के साथ साथ पार्किंग में जो लगे हैं, पार्किंग के साथ जो यहाँ सफाई वफाई देखते हैं, उन सबकी एक सामूहिक मीटिंग यहाँ बस स्टैंड के कार्यालय में हुई है, जिसमें आज सारे लोगों की मंशा से चालक और उनके मालिक और यहाँ की जो व्यवस्थाएँ देखते हैं वो सारे की मंशा से कुछ चीज़ों को निर्धारित किया गया है, जिस पर कठोरता और सरलता पूर्वक कार्रवाई भविष्य में अमन में लाई जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।